हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको मिलवाते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटी मध्य प्रदेश के रीवा की कुछ महिलाओं से। ये खबर प्रेरणा देती है। इन महिलाओं ने 3 दिन में ऐसा काम किया है जिससे इनकी चर्चा देश भर में हो रही है। और आप भी देखिए आखिर क्यों मध्य प्रदेश की इन महिलाओं को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक मिसाल माना जा रहा है। 200 से ज्यादा महिलाओं ने 3 दिन में 18,000 से ज्यादा मास्क बनाए, यानी एक दिन में औसतन 6,000 मास्क बनाए, यानी एक घंटे में औसतन 250 मास्क बनाए। इसके अलावा 300 लीटर सैनिटाइजर बनाए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा की है। मशीन से मास्क सिल रही ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के सहयोग से मास्क और सैनिटाइजर बना रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क और सैनिटाइजर बनाने को ये अपना कर्तव्य मानती हैं। हम लोग सोचे कि ये देश के लिए भी अच्छा होगा, हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, हमारे पंचायतों के लिए भी अच्छा होगा, तो हम लोग मास्क बनाने का काम शुरू करने के लिए मार्गदर्शन लिए और मास्क बनाना शुरू किए। अपने भारत के लिए चाहते हैं कि जो नुकसान हो रहा कोरोना वायरस से, उससे हम बचना चाहते हैं और सबको बचाना चाहते हैं। खास बात ये है कि ये सभी मास्क विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मापदंड को पूरा करते हैं। जिला पंचायत CEO अर्पित वर्मा इन महिलाओं को कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल मानते हैं। इस समय कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। रीवा जिले में हमने इससे लड़ने के लिए आजीविका मिशन को यूज़ किया। इसमें हमारे 8 विकास खंडों में करीबन 54 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि महिला स्व सहायता समूह की मदद से हम गाँव में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। हमने आज दिनांक तक करीबन 18,000 मास्क जो कि N95 नॉर्म्स को पूरा करते हैं तथा 250 लीटर सैनिटाइजर जो कि WHO नॉर्म्स के अनुसार है को वितरित कर दिया है तथा लगातार हमारे समूह इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ABP News पर।